As far as today's class is concerned, our topic is master theorem, how to solve the logarithmic recurrence by using master theorem. So in earlier classes we have studied how to solve the recurrences, and into which we have studied three kinds of recurrences: homogeneous, inhomogeneous, and logarithmic recurrences. We studied how to solve homogeneous recurrence with the help of characteristic equation method. Also, we have studied how to solve inhomogeneous recurrence and logarithmic recurrence by the method of characteristic equation. तब हमने देखा था कि logarithmic recurrence को अगर हम characteristic equation method से solve करते तो process was a very lengthy process, यानी काफी लंबा रास्ता हमको तय करना पड़ता था, जहाँ पे पहले मॉड्यूल में हमें logarithmic recurrence को inhomogeneous में convert करना पड़ता था, second इसमें हमें inhomogeneous को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ता था, एंड वंस वी विल गेट द होमोजीनियस रिकरेंस देन वी हैव टू सॉल्व दैट होमोजीनियस रिकरेंस बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फाइनली फिर हमको आंसर मिलता था. तो दिस वाज द मैकेनिज्म फॉर हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक रिकरेंस बाय यूजिंग आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड. बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड के अलावा कोई और दूसरी मेथड है क्या जिससे हम लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व कर सकते हैं? हम ऐसे अल्टरनेटिव के लिए क्यों जा रहे हैं? इस अल्टरनेटिव के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लॉगरिथमिक रिकरेंस से रिकरेंस को सॉल्व करना कहीं ना कहीं एक बहुत लेंदी प्रोसेस था. तो क्या कोई सिंपलर प्रोसेस है क्या कि जिससे हम लॉगरिथमिक रिकरेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास है, दैट इज, तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हुए लॉगरिथमिक रिकरेंस को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. और जब आप इस पूरी क्लास को अटेंड करेंगे और जब आपको ये सीखने मिलेगा, या फिर आप जब ये सीख जाएंगे कि मास्टर थ्योरम यूज करके लॉगरिथमिक रिकरेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देन यू विल रियलाइज दैट कि नहीं, मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया कि जिन्होंने हमें लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने का बहुत आसान और सिंपलर तरीका ढूंढ के बताया. तो यू विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू दैट मैन. इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि मास्टर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके गए कि जिन्होंने अपना एक थ्योरम बनाया, और इस थ्योरम को यूज करने से हम लॉगरिथमिक रिकरेंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो वी हैव टू स्टडी मास्टर थ्योरम इन डेप्थ. अब लॉगरिथमिक रिकरेंस को अगर सॉल्व करना है तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने इससे पहले वाले क्लास में स्टडी किया था. हमने बोला था कि लॉगरिथमिक रिकरेंस जनरली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में जो एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं उनको हम लॉगरिथमिक रिकरेंसेस कहते हैं. और लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, जहाँ पे ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ए की वैल्यू ए के एक से बड़ी रह सकती है, बी की वैल्यू डेफिनेटली एक से ग्रेटर होना, जबकि एफ ऑफ एन कोई एक फंक्शन रहेगा, ये सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन हो सकता है. और लॉगरिथमिक रिकरेंस कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिए कि टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई फोर प्लस एन क्यूब. इस रिकरेंस में आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू टू है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ही है, और बी की वैल्यू फोर है जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन वन है, इसलिए इस रिकरेंस को हम लॉगरिथमिक रिकरेंस कहेंगे. तो जब कभी भी इस तरह के लॉगरिथमिक रिकरेंसेस हमको दिए हुए रहेंगे तो इस लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास्टर थ्योरम का स्टेटमेंट या मास्टर थ्योरम का डेफिनेशन क्या है. तो पहले मास्टर थ्योरम का डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि लेट टी ऑफ एन बी डिफाइंड ऑन द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बाय द रिकरेंस. यानी टी ऑफ एन हमारे पास एक रिकरेंस दिया हुआ है, और ये रिकरेंस इस फॉर्मेट में टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन, वेयर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बी इज ग्रेटर देन वन, बी कॉन्स्टेंट्स एंड एफ ऑफ एन बी अ फंक्शन एंड एन बाय बी कैन बी इंटरप्रिटेड एज आइदर सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन. यानी लोअर बाउंड फाइंड आउट करने वाला फंक्शन या फिर अपर बाउंड फाइंड आउट करने वाला फंक्शन, अगर ऐसा है, इसका मतलब इन शॉर्ट इन्होंने बोला है कि अगर आपको दिया हुआ रिकरेंस अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस है तो फिर उस लॉगरिथमिक रिकरेंस को हम असिम्प्टोटिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. और असिम्प्टोटिकली कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने टोटल तीन केसेस बनाए. तो मास्टर थ्योरम हैज गिवन इन ऑल थ्री केसेस. तो जब कभी भी कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस अगर हमको दिया है तो वो लॉगरिथमिक रिकरेंस आइदर केस वन केस टू या केस थ्री में फॉलो करेगा. तो पहला दिया है केस वन,
if f of n is equals to big O of n raised to the power log base b a minus epsilon for some constant epsilon greater than 0, then t of n will be equals to theta of n raised to the power log a to the base b. अब ये चीज क्या है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं. इन्होंने बोला है कि f of n क्या है. अगर आप जनरल फॉर्मेट में देखते हैं तो जनरल फॉर्मेट में t of n is equals to a t n by b plus f of n इस तरह का रिकरेंस हमको दिया हुआ रहेगा. तो इसमें f of n क्या है. f of n यानी लास्ट वाली टर्म जो हमको दी हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल टेम्पलेट में t of n is equals to a t n by b plus f of n. तो ये जो f of n दिया हुआ है इस f of n को हमें कंसिडर करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू सिंपली वी हैव टू चेक फॉर दैट f of n. और अभी इस f of n को क्या करना है इस f of n को कंपेयर करना है किसके साथ. वी हैव टू कंपेयर f of n विथ big O of n raised to the power log a to the base b minus of epsilon इस फंक्शन के साथ वेयर सम कॉन्स्टेंट epsilon greater than 0 अगर एग्जिस्ट करता है. यानी f of n में से कुछ वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तब अगर वो f of n के बराबर होता है तो then t of n will be equal to theta of n raised to the power log a to the base b. यानी ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि n raised to the power log a to the base b ये वाली वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. और ये वैल्यू अगर f of n के मुकाबले बड़ा है क्यों क्योंकि n raised to the power log a to the base b में से कुछ वैल्यू माइनस करने के बाद अगर वो f of n के बराबर हो रहा है इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब यही है कि n raised to the power log a to the base b कोई एक वैल्यू है उस वैल्यू में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तब जाके वो f of n के बराबर हो रही है. इसी को इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा n raised to the power log a to the baby f of n से अगर ग्रेटर है तब हमारा केस वन अप्लीकेबल रहेगा. और केस वन जब अप्लीकेबल होता है तब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है t of n will be theta of n raised to the power log to the base b. Next we have to go to second case. Second case is if f of n equals to theta of n raised to the power log a to the base b then t of n will be equals to theta of n raised to the power log a to the base b into log a. इसका मतलब f of n की वैल्यू अगर n raised to the power log a to the base b अगर इतनी है तो फिर उसकी asymptotic complexity जो रहेगी that complexity will be equals to theta of n raised to the power log a to the base b into log n. यानी जो भी हमको f of n दिया है उस f of n को only log n से मल्टीप्लाई करना है और asymptotic notation theta असाइन करना है तो that will be the complexity. और अभी है केस थ्री. तो जैसा केस वन हमने बोला था तो केस वन में क्या था n raised to the power log a to the base b के मुकाबले f of n की वैल्यू कैसी थी कम थी तब अप्लीकेबल रहेगा केस वन. केस टू था f of n की वैल्यू अगर n raised to the power log a to the base b के बराबर रहेगा तब रहेगा केस टू. और अभी देखें कि हम केस थ्री ये सारे केसेस एक प्रॉब्लम के थ्रू जब हम स्टडी करेंगे तब आपको आसानी से क्लियर होंगे. ओनली पहले हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते. तो मास्टर थ्योरम के स्टेटमेंट में हमने बोला था कि अगर हमको कोई रिकरेंस दिया है और रिकरेंस कैसा है लॉगरिथमिक रिकरेंस तो कोई भी रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस कब रहेगा. कोई भी रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस तब रहेगा जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जब उसका फॉर्मेट क्या रहेगा t of n will be equals to a t n by b plus f of n. a की वैल्यू एक या एक से बड़ी b की वैल्यू डेफिनेटली एक से बड़ी अगर है तो ऐसे सिचुएशन में ओनली हमें n raised to the power log a to the base b की वैल्यू कैलकुलेट करना और उसको कंपेयर करना है f of n के साथ. अगर n raised to the power log a to the base b f of n के मुकाबले बड़ा है तो केस वन. if n raised to the power log a to the base b और f of n दोनों बराबर है देन केस टू. अब जाएंगे हम केस थ्री. केस थ्री में क्या कर रहे हैं. if f of n is equals to omega of n raised to the power log a to the base b plus epsilon for some constant epsilon greater than 0. अब यहाँ पे बोला है कि n raised to the power log a to the base b ये वाली वैल्यू f of n के मुकाबले छोटी है. क्यों क्योंकि उसमें epsilon ऐड करने के बाद वो f of n के बराबर हो रही है. इसका मतलब ये है कि आपका n raised to the power log a to the base b ये वाला वैल्यू जो है वो f of n के मुकाबले अगर कम है
इन दैट सिचुएशन केस थ्री अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं रेगुलरिटी कंडीशन। तो रेगुलरिटी कंडीशन को आगे देखते हैं, इफ ए इंटू एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन फॉर सम कॉन्स्टेंट सी लेस देन वन एंड ऑल सफिशियंट लार्ज एन देन टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। यहाँ पे केस थ्री को हम समझ लेते हैं। केस थ्री में बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन तो ये है कि n रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस भी एफ ऑफ एन के मुकाबले कम होना चाहिए, और रेगुलरिटी कंडीशन जो है ये आपका ट्रू होना चाहिए। अब रेगुलरिटी कंडीशन क्या, रेगुलरिटी कंडीशन का मतलब है ये इंटू एफ एन बाई बी और c इंटू एफ ऑफ एन, ये दोनों को दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन अप्लाई करते तो रिलेशन कैसा होना, ये इंटू एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ एन, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए c के वैल्यू के लिए, जबकि c कैसा होना चाहिए लेस देन वन। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज रेगुलरिटी कंडीशन, और रेगुलरिटी कंडीशन और n रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस b इज लेस देन f ऑफ n, ये दोनों के दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली होल्ड करते हैं तब हमारा केस थ्री अप्लीकेबल रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल तब रहेगा जब हमारे पास गिवन रिकरेंस जो है वो लॉगरिथमिक रिकरेंस यानी टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई टी प्लस एफ ऑफ एन। केस वन अप्लीकेबल तब रहेगा जब आपका एफ ऑफ एन जो है वो एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी के मुकाबले, यानी एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी और एफ ऑफ एन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू एफ ऑफ एन, तब केस वन। केस टू एफ ऑफ एन और एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी दोनों इक्वल है तब केस टू, और केस थ्री के लिए दो दो कंडीशन हमारे पास है, दो कंडीशन इस तरह का। पहला कंडीशन है if f of n is equal to omega of n raised to the power log a to the base b, दोनों का comparison अगर करते हैं तो n to the power log a to the base b कहीं greater होना चाहिए as compared to f of n, और second regularity condition अगर true होगा तब जाके case three applicable होगा। तो इन्हीं चीजों को simplify तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर हम simplify तरीके से master theorem को study करेंगे तो simply हमें दो चीजें calculate करना है। एक चीज है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज है हमको राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। जब कभी भी कोई रिकरेंस हमको दिया है और बोला है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मास्टर थ्योरम यूज करके फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रहेगी एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। अब कोई रिकरेंस दिया है इसका मतलब आपके पास ए और बी की वैल्यू दी हुई रहेंगी, तो ओनली ए और बी की वैल्यू एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी में सब्सटीट्यूट करो और फाइंड आउट करो एलएचएस का वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी आपको जो रिकरेंस दिया हुआ है उस रिकरेंस में का एफ ऑफ एन जो रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ राइट हैंड साइड। तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्यूट फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। बाद में आपको कैलकुलेट करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का वैल्यू है आपका एफ ऑफ एन। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के मुकाबले अगर ग्रेटर है तब आपका केस वन रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी, और राइट हैंड साइड क्या है एफ ऑफ एन। तो हमने बोला था अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी राइट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा है, यानी एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड मींस एफ ऑफ एन, दोनों को इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर ज्यादा है तो वहां से कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाके वो राइट हैंड साइड के बराबर होएगा। इसी को टेक्निकली क्या कह सकते हैं, इसी को टेक्निकली हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी को टेक्निकली बोलेंगे हम केस वन में। आप याद देख सकते हैं टेक्निकली इसको हम बोलेंगे एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी, एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी से कुछ माइनस करेंगे तब जाके वो एन के बराबर होगा। ये तभी हो सकता है जब आपका लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, देन आपका केस वन अप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट वी हैव केस टू। अब केस टू में क्या है, केस टू में हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है इसका मतलब कहीं से कुछ सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। ये चीज समझने के लिए आप समझ सकते हैं कोई तराजू,
कोई किलो का आटा, अगर तराजू या किलो का आटा के दो अलग अलग साइड में अगर हमने कुछ वेट रखे हैं, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो कहीं से कुछ सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा। पहला केस, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी राइट हैंड साइड के मुकाबले ज्यादा है, दोनों को बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ चीज आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो राइट हैंड साइड के बराबर होएगा, दैट इज केस वन। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, केस वन ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, केस टू ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल। एंड इफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड एज वेल एज रेगुलरिटी कंडीशन इज ट्रू, यानी दोनों दोनों कंडीशन होने चाहिए, तब जाके हम केस थ्री अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड रेगुलरिटी कंडीशन इज ट्रू, देन केस थ्री इज एप्लीकेबल।